साफ करेगा, इतने आते हैं हम पहुंच गए अपनी जिम तो वो कर दूंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सभी भाई अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं सुबह से ही। आज जो पूरे दिन होगा वो कोशिश करूंगा आपको दिखाने की। और अभी पहुंचा हूं मैं जिम अपनी, और जिम के अंदर चलते हैं, वार्म अप करके अपना करेंगे वर्कआउट स्टार्ट। देखते हैं मनोज भाई आएंगे क्या है, मन तो है चेस्ट करने का, चेस्ट का वर्कआउट करेंगे तो आपको दिखाएंगे। उसके बाद फिर जो भी होगा दिन में वो सारी जर्नी आपको दिखाएंगे। शाम तक की कोशिश करूंगा मैं शाम तक की रिकॉर्ड कर पाऊं, हालांकि नहीं करी जाती, पर कोशिश करूंगा पूरी शाम तक की मैं जर्नी रिकॉर्ड करूं। तो जिम पे भी पहले कुछ काम चल रहा था इधर, अब तो धीरे धीरे सारा ठीक हो गया। अभी पार्किंग बनने लग रही है, पहले तो ये पूरा ही बुरा हाल कर दिया था खोद खोद के ना। अभी उधर तो टैले लग चुकी हैं आधी आधी, इधर रह रही हैं, तो फिर पार्किंग पूरी सेट हो जाएगी। फिर अपनी गाड़ी ऐसे रोड पर खड़ी नहीं होगी, सीधी पार्किंग में लगा करेगी। और अपने जिम की ना सबसे अच्छी बात यही है भाई, गोल्ड फिटनेस की सेक्टर 37D, अपने जिम के सामने ना चाहे 100 गाड़ियां आ जाएं, पार्किंग यहां से लेके वहां तक पूरी पार्किंग है अपनी जिम की। ऐसा नहीं है और जिमों की तरह ना गाड़ियां ऐसे घुसाते फिरते हैं, ये सबसे बड़ा ऑप्शन है। और इस एरिया की सबसे बड़ी जिम है अपनी, वर्कआउट करने में मजा भी आता है, अंदर ना बहुत स्पेस है, आपने वीडियो में देखा ही होगा। तो चलिए चलते हैं जिम के अंदर और वर्कआउट दिखाते हैं फिर आपको। चलिए, ओहो क्या खा रहे भाई साहब, भाई थार अभी पता ही ना लगे भाई, जब हम पूरे दिन ही भूत चढ़ते ही रहो भाई। कोमल जिम लाइन ना है ये चरण लाग ही है, सबसे महंगा गेम है। अब ये तो सोच सुबह सुबह डाइट आई कहाँ से, पता कि मैंने से बड़ा किला है ऐसा तो उसके बाले थे। तो वही मैं कह रहा था, हमने बना के दिखाना भाई साहब क्या चीज है। चावल है, ओहो खाली चावल ही है और कुछ भी तो बढ़िया चटनी सी गेर रखी है। ये चावल है भाई साहब, भाई ये है मेरे चावल और चिकन, ठीक है। और इसको मैं अभी वो शॉट लगा लो कुछ भी लगा लो, कटिंग वटिंग तो चल नहीं रही है। इसको वर्कआउट से 45 से 1 घंटे पहले मैं इसको खाता हूँ, इसके बाद मैं वर्कआउट करता हूँ। चलो बढ़िया, कीप इट अप। सुबह की जो थी वो मैं दिखाना भूल गया भाई, सुबह मैं खा के आया था। सुबह का मैं दिखाना भूल गया, सुबह मैं खा के आया था 40 से 50 ग्राम ओट्स और 7 अंडे वाइट है। तो भैया एक चीज बताओ, पूरे दिन पेट में गैस घुस ना बनती तुम्हारे, जो हूँ जब चलते ही रहे तुम्हारा। गैस तो जब बढ़ेगी जब हम खाली बैठेंगे। अब ये देखो, अब सुबह ओट्स वगैरह खा के हो, अब तुम ये खा रहे हो, उसको एक्सरसाइज करोगे फिर घर जाके फिर खाओगे, ये एक बहुत बड़ा है। और ये भी बहुत बड़ा है, ये एड्रेस हो जाएंगे भाई। वर्कआउट स्टार्ट कर दिया है भाई, और वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी है, जो कि हम पूरा वार्म अप और बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं, इसके बाद अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। तो सभी भाई बॉडी को अच्छे से पहले से स्ट्रेच कर ले, वार्म अप कर ले अच्छे से, उसके बाद स्टार्ट करें। वार्म अप करने के बाद भाई अपनी पहली एक्सरसाइज है पुशअप्स, जो कि हम पुशअप्स कर रहे हैं और बहुत आराम से, और मतलब फील करके कर रहे हैं, जो कि मसल्स पे पूरा फील आए। तो हम इसकी करने वाले हैं पहले 100 पुशअप्स, उसके बाद सेट स्टार्ट करते हैं। पुशअप्स हो गए कंप्लीट, और ये आ गई हमारी एक्सरसाइज, बेंच प्रेस करते हैं, और इसका लास्ट सेट हम ड्रॉप भी करेंगे। आप भी क्या करो, बेस्ट सेट होता है ड्रॉप करना। तो इसके बाद जो मैं करूँगा वो ड्रॉप सेट होगा, इसमें रैप निकालते हैं 10-12 जो भी आएंगे वो रैप कंप्लीट निकालेंगे। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, ये एक्सरसाइज हो गई हमारी कंप्लीट, इसके बाद मैंने एक ड्रॉप सेट और किया था। तो ये हुई अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट। भाई बाल थोड़े बड़े हैं तो इनको भी संभाल के रखना पड़ता है, एक्सरसाइज के टाइम बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये भी ना, तो चलिए इनको बांध लेते हैं
रबड़ तो वैसे मेरे हाथ में ही रहती है हमेशा, लोग बाग सोचते हैं भाई ने कोई काला डोरा बांध रखा है। चलो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, इंक्लाइन डंबल प्रेस। तो इंक्लाइन डंबल प्रेस के हम करेंगे 4 सेट कम्प्लीटली, और इसका भी हम लास्ट सेट ड्रॉप मारेंगे। देखो ड्रॉप सेट मेरा तो फेवरेट होता है, और कोशिश करता हूँ मैं हर एक्सरसाइज या जो भी है 3-4 एक्सरसाइज मैक्सिमम उनमें ड्रॉप सेट लूँ। इसके बाद ड्रॉप किया है, इसके बाद आ गए हम बटरफ्लाई। बटरफ्लाई भी मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, और इसको पूरा फील लेके किया करो जो कि प्रॉपर मसल्स का है। कैसी लग रही है पंप? भाई पंप तो नंबर हो रहा है, एक नंबर हो रहा है ना, वेरी गुड। मनोज भाई ने पंप का बता ही दिया है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी रेडी हो गई है। और खासकर ये प्लेट लेके ना भाई, जो चेस्ट के बीच में जो गैप होता है ना, जिनकी बीच में से मसल नहीं आती, वो प्लेट लेके ऐसे करे, अच्छा पंप आएगा, अच्छी मसल की ग्रोथ होगी, और मज़ा आ जाएगा। इस वर्कआउट को ऐड करना ज़रूर, इस वाली एक्सरसाइज को। तो बीच में से जो लाइनिंग दिख रही है ना, वो मतलब चेस्ट बीच में से भर जाएगी। ये क्या लग रहा है बॉडी देखें, क्या साइज है चेस्ट। ये भी इंक्लाइन चेस्ट के लिए ही ऐड करी जाती है ये वाली मशीन। अगर किसी की जिम में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डंबल से कर लो, वो बहुत है। वो हमारी जिम में है तो हमने ऐड कर ली। और इसके भी हमने 4 सेट ही करे हैं, लास्ट वाला ड्रॉप मारा है। और ये बीच में कभी कभी बकचोदी कर लेते हैं, सिंगल सिंगल भी कर लेते हैं, मज़ा आता है। चेस्ट में पंप देखिए क्या पंप आ रहा है, यस। ये हो गई हमारी केबल क्रॉस, ये भी ये सबसे ज़्यादा उसको ज़रूरी है, जो कि नीचे किसी भाई को गांठ होती है ना, जिसको लोग बाग कहने लगते हैं गाइनो होगी गाइनो होगी। दरअसल गाइनो एक अलग होती है, वो गांठ होती है, जिसको फैट है उसके लिए ये एक्सरसाइज रामबाण है, मैंने पहले भी अपने व्लॉग में बताया है। और ये केबल क्रॉस के साथ ये पुशअप मारना, ये तो थोड़ी हवाबाजी होगी बीच में ना, वीडियो बनाने के चक्कर में, व्लॉग बनाने के चक्कर में तो ये पुशअप मार दी। और ये हम नोट कर रहे हैं अपनी विंस और अपनी मसल की पंपिंग, क्या पंपिंग निकल के आ रही है हमारी, बिना डाइट के, बिना सप्लीमेंट्स के, प्रोटीन के सिवा कुछ यूज नहीं कर रहे हैं अभी, सिर्फ प्रोटीन मल्टीविटामिन चला रखी है, और बाकी खा पी के मजे कर रहे हैं। तो पंप भी अच्छा खासा चल रहा है अभी तो, और आगे देखते हैं बॉडी क्या रिजल्ट देती है। चलिए वर्कआउट ख़त्म। नाउ व्हाट्स द प्लान, कहाँ चलने का इरादा है? कहाँ चलने का इरादा है? कहीं तो चलेंगे, दो गाड़ियाँ खड़ी हैं, किसी में तो चलेंगे ही। एक को तो साफ कर रहा है यार भाई। हो हाँ, आपकी गाड़ी का व्लॉग रह गया। हाँ व्लॉग तो जरूरी है बनाना, कब बनाए बताओ। कब क्या हो, डिलीवरी करे जब भी ना बनाए, हमने सोचा था बनाएंगे। हम बिजी इतने चल रहे हैं, पता नहीं कहाँ बिजी हैं, और खाली भी हैं और बिजी भी हैं यार भाई, फोन पकड़ने में इतना अड़कस आवे है। अभी काम न्यूट्रिशन लेने चलना है क्या? मल्टीविटामिन खत्म है, मल्टीविटामिन ले लेते हैं, और कुछ अपने ओट्स वगैरह वो खरीद लेते हैं। मैं बैग रख दूं गाड़ी में? बैग रखो आप अपनी गाड़ी में। बैग रखता हूँ, इतने साफ करेगा, इतने आते हैं। ले बैग रख दे गाड़ी में, मैं आ रहा हूँ। इतने ये लोंडा भी ना गाड़ी जो सफा करता है। अरे यार इसने ना दिल जीत लिया इसने। एक नंबर देखो गाड़ी है ना, अब देखो अब चमकी है गाड़ी। मेरी भी तू ही ले ले यार। और कल जब गाड़ी धुलवाई तो उन्होंने खराब कर दी थी गाड़ी। इसके ये सामान मंगा रहा है, इसके लिए ना सामान लाके मंगाया है, आज आ जाएगा ऑनलाइन गाड़ी का सारा। अच्छा फिर तो भाई साहब ये इसको दुल्हन की तरह रखेगा इसको, जैसे नई दुल्हन आती है ना। चलो अब खोलो। वाओ क्या हो रही है भाई, क्या कलर है, ब्लू ब्लू गरम हो रही है, मेरा फेवरेट कलर है ब्लू। अच्छा खुशबू बहुत अच्छी आ रही है गाड़ी में भाई, ये बैठते ही मजा आ जाएगा गाड़ी। खुशबू चले हैं बोरा अपना जिम, गोल्ड जिम। पर यार है ना, आपके आप भी किसी मजबूरी में यहाँ कर रहे हो, मैं भी अभी मन नहीं करता इस जिम में करने का, ऐसा लगता है कि हाई फाई। हाँ बोर हो गया मैं इस जिम से, ऐसा लगता है हाई फाई जिम में जाएं कहीं। हाई फाई उधर चले अपना, हमारे लिए देखो यही हाई फाई है। गोल्फ 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 कोर्स रोड पे चलते हैं, गोल्फ कोर्स पे। हाँ जिम है वहाँ, अपना फिटनेस टाइम कौन सा है उसमें चलते हैं। जिम है या फिर नहीं? नहीं जिम है। अब एक जगह बोर हो गया देखो, एक तो यहाँ डंबल भी टूटे पड़े हैं यार,
है ना, अरे डंबल ला रहे हैं भाई, ला रहे हैं ना, तो करवाओ आप ये कंप्लेंट डालो आप। ये मैंने तो बोल दिया, वो कह रहे थे पैसे खत्म हो गए, अक्टूबर में लाएंगे, हमने टाइल लगवा ली वहाँ। चलो कोई डंबल की आना, डंबल मार दे कौन है, हमें ही तो मारने है अभी। हां तो हम अपने लिए तो बोल दिया मैंने कि भाई अब हम कटिंग से निकल के बाहर आए हैं, अब गेनिंग पे चलेंगे, डंबल वंबल एडजस्ट कर लो अपने। तो कह रहा चलो भाई अक्टूबर में लाएंगे, करवाते हैं मैंने की करवाओ। चलो क्योंकि 25 के बाद सीधा 35 का डंबल है, 30 का डंबल है ही नहीं। चलो रखो, व्लॉग को करो यहीं, बाय बाय। नहीं नहीं, व्लॉग को बाय बाय ना करना भाई, मेरे को तो आज शाम तक का रिकॉर्ड करना है। हाँ तो ठीक है, रिकॉर्ड करो। और उसके पास कहाँ चलना है, शूट हुए थे फोटो कहाँ है हमारे यार भाई, ना दस दिन हो गए ना, तो कितनी स्लो सर्विस है, बलर हो गए हमारे, बलर के ऐप गए, क्रेजी खत्म हो जाएगा, ऐप तो गए हमारे। देखो यार बलर हो, मेरा पेट आ गया भाई, पेट तो आएगा, घी भी इतना चल रहा है। ये तो अपने हाथ में है, देखो भाई वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद है ना, जाना है, मिलना है, बैठना है, फोटो सिलेक्ट करने है। ट्रांसफॉर्मेशन अपने हाथ में, जब चाहे हम गेन कर सकते हैं, वो तो है, जब चाहे हम कर सकते हैं। देखो सारा खेल डाइट का है भाई, हमें पता है बॉडी बॉडी बनती है किचन से, खाना है कैसे खाना है सब पता है, बॉडी किचन से बनती है, बॉडी तो कोशिश कर सकते। सुन रहे हो ना, बॉडी बनेगी किचन में, एप्स बनेंगे किचन में, माइंड होगा स्ट्रांग तब आपको रिजल्ट। ये मत समझना कि हम प्रोटीन नहीं, सॉरी पाउडर बोलते, पाउडर पाउडर बोलते हैं, बहुत गुस्सा आता है। ये प्रोटीन है, ये बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ये सिर्फ पूरी करता है, इससे कोई बॉडी वोडी नहीं बनती। आप जिम जाओ या ना जाओ, प्रोटीन तब भी ले सकते हो, बॉडी बनेगी अपने किचन से और आपकी मेहनत से। यस जी, चलो थोड़ी देर मिलते हैं फिर। उसको बुलाया मैंने फोटो वाले को, भाई दिखाएंगे उसको भी जब फोटो सिलेक्ट करेंगे, 10-12 दिन तो हो गए शूट कराए, कॉल कर देना मैं तब आ जाऊंगा। चलो आगे मिलते हैं भाइयों। जिम से निकल के हम पहुंच गए हैं द्वारका एक्सप्रेस फ्लाईओवर के नीचे, जो कि हमारे घर की तरफ रास्ता जाता है, और यहाँ एक भाई का वेट कर रहे हैं, कुछ सप्लीमेंट स्टोर से कुछ अपना सामान आने वाला था, तो भाई ने बोला यहीं रुक जाओ। मैंने कि चल यार भाई घर आएगा परेशान होएगा, तो मैंने कि चल मैं रास्ते में खड़ा हूँ आ जा। तो उसको कुछ पेमेंट भी देनी थी कैश, तो मैंने कि चल पेमेंट भी लीजिए और कुछ थोड़ा बहुत सामान है वो भी उससे ले लेंगे, उसी का वेट कर रहे हैं सामान लेके, फिर चलते हैं घर। घर जाके नहाएंगे और फिर अपनी जो भी डाइट है वो डाइट खाएंगे, आपको डाइट दिखाऊंगा क्या खाएंगे। तो आने का वेट कर रहे हैं, कहाँ रह गया, चलो आने दो। हाँ तो आजा, ले ले ये तो ले ले, सारा सामान इसमें पकड़, पैसा गिन दो मैं दे रहा। भाई ये सारा पैसा हमारा सप्लीमेंट में चला जाना है। ये भाई दे रहे हमारी डिलीवरी, भाई परेशान ही रहे बेचारा। मैंने कि भाई घर आएगा, मैंने कि चल रास्ता में ले ले, स्कूटी लदपद हो रही है। ठीक है ओके। तो भाई सामान तो ले लिया है हमने अपना, पेमेंट भी दे दी, पेमेंट पूरी तरह दी, अभी बाकी है हमारा। तो भाई इतना चलता ही रह रहे उधार सुधार, बाकी सामान है कुछ क्लाइंटों का है, मेरा तो है नहीं, मैं तो भाई अभी छुट्टी पे चल रहा हूँ। हमने तो अभी सारी चीजें खानी पीनी बंद कर रखी हैं, सिर्फ डाइट और नॉर्मल प्रोटीन, कोई टैबलेट नहीं कुछ नहीं। तो ये क्लाइंटों को देना है, ज्यादातर जिम में क्लाइंट्स हैं वो सप्लीमेंट का सामान मेरे से मंगवाते हैं। देखो आप भी जहाँ से भी लो सप्लीमेंट्स ओरिजिनल होना चाहिए, विश्वास वाले बंदे से लो, क्योंकि कोई भी चीज़ खाओगे आप जानी हमारे पेट में है, तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी ना हो कोई रिएक्शन कर जाए। सबसे पहले तो ये लीवर पे इफेक्ट डालना स्टार्ट करती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें और कोई भी गलत चीज़ ना खाएं, ठीक है। और जो भी आपको गाइड कर रहा है, आपका कोई भी ट्रेनर है, अच्छा ट्रेनर हो, अच्छी नॉलेज हो और आपको अच्छी चीज़ खिलाए, ठीक है। चलते हैं घर, घर जाके मिलते हैं, जो खाएंगे वो दिखाएंगे।
ओके बाय बाय। और भाई ये पता नहीं हमारे रोड के काम कब पूरे होंगे, कभी कोई सी मशीन लग रही है, कभी कोई सी मशीन लग रही है। भाई ये अंदर आ चुके हैं हम अपने गांव में, और मार्केट से लेने से हमें कुछ छोटा सा सामान जो कि सभी जिम वालों का फेवरेट ही होता है, सबसे पहले उसी की तरफ भागते हैं। तो हमें लेने हैं यहाँ से अपना एक ब्राउन ब्रेड का पैकेट, तो चल के लेते हैं ब्राउन ब्रेड। ये आगे अपनी दुकान पे हम लेते हैं ब्राउन ब्रेड। प्याज होगी ना 1 किलो, भाइयो लो जी आ चुके हैं अपने घर, सुबह के निकले हुए हैं, अब नहाएंगे कुछ खाएंगे। खाने की फिर डाइट दिखाते हैं, अब क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, फिर सीधा मिलेंगे शाम को डाइट खा के। ओके तो भाई घर आ गए हैं, अपना नहा लिए हैं, और नहाने के बाद अपनी जो लंच की जो डाइट है वो अपनी डाइट है चावल और चिकन, और चिकन अब बॉयलेड खाना बंद कर दिया क्योंकि अब हम कटिंग फेज पे नहीं है और इसको खाते हैं। वैसे इसके साथ ना मैं ग्रीन सैलेड ऐड करता हूँ जो कि मैं सैलेड लानी भूल गया था, और आगे का जो दिन में करेंगे वो आगे का दिखाएंगे। अभी इसको खा के फिर आराम से सोते हैं, शाम को उठते हैं, फिर चलते हैं जिम। ओके बाय बाय। रुको भैया, ये हमने बना ली अपनी 7 अंडे की ऑमलेट, और इसमें ऑमलेट में जो ये येलो पार्ट है इसको, ये जैसे थोड़ा सा रेडी हो जाएगा ना तो इसको मैं हटा दूंगा क्योंकि येलो पार्ट मैं नहीं खाने वाला, और इसको खाने के बाद फिर हम चलेंगे जिम, और फिर मिलेंगे हम रास्ते में या जिम में। तो ये हटा रहे हैं हम इसका येलो पार्ट, ये हमने हटा दिया इसका येलो पार्ट, मैं येलो पार्ट इसको जो है वो ऐसे हटाता हूँ, वो कर दूंगा साइड में, तो ऐसे हम सारे हटा लेंगे। ओके भाइयों घर से निकल लिए जिम के लिए, और अब भी बज रहे हैं 5:30, जिम में पहुंचते हैं, एक दो क्लाइंट हैं उनको वर्कआउट करवाएंगे, और वर्कआउट कराने के बाद कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत हम भी अपना कार्डियो करें, बाकी हो नहीं पा रहा है जब से हम डाइटिंग वाइटिंग थोड़ी बंद करी है, मन ही नहीं करता ट्रेडमिल पे चढ़ने का, पर कोशिश करेंगे थोड़ा कार्डियो और थोड़े एप्स कंटिन्यू हम रखें, जो कि गेनिंग टाइम में भी हम ऐप्स करने की कोशिश करेंगे, जो अगली बार जो कटिंग फेस में आएंगे तो ऐप्स हमारे थोड़े और मोटे मोटे निकल गए हैं। तो अभी चल रहे हैं जिम, रास्ते में हैं, जिम पहुंच के दिखाते हैं। डाइट तो मैंने खाई ली थी ऑमलेट 7-8 अंडों की, और उसके साथ 4 ब्राउन ब्रेड लिए थे मैंने, और अब उसके बाद जो भी मैं खाऊंगा, वैसे तो मैं प्रोटीन ही पीने वाला हूँ, अब इसके बाद मैं प्रोटीन ही पीऊँगा, फिर घर आऊँगा, और फिर जो भी खाना पीना है फिर घर आके रात की डाइट देखते हैं क्या हो पाती है क्या नहीं हो पाती। और कल मंगलवार है तो के लिए भी, अब नॉन वेज तो कल चलेगा नहीं, तो कल के लिए भी हमें डाइट आज शाम को ही लेके रखनी पड़ेगी, क्योंकि अपना तो सुबह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो कल के लिए अब देखेंगे क्या लेंगे, पनीर है, वेजिस में फ्रूट्स जो भी हैं, तो कल की सामग्री भी अभी इकट्ठी करनी पड़ेगी हमें रात को ही। तो चलिए मिलते हैं जिम में। हेलो भाइयों, हम पहुंच गए हैं अपनी जिम, और चलते हैं अंदर, अंदर चल के दिखाते हैं। एक क्लाइंट वेट कर रहा है बहुत देर से, मैं ही लेट हो गया, उनका वर्कआउट करवाना है। जिम में हो गई एंट्री, एंट्री करते बेचारे पानी वाले भैया बोतल ही बोतल उठा के लेके जा रहे हैं, और जिम में आज थोड़ा काम चल रहा था, लाइटिंग वाइटिंग पूरी चेंज कराई है, और पूरी जन्नत नजर आ रही है जिम में, आप देख सकते हो। और हमारी जिम ना, जिम के अंदर स्पेस बहुत है हमारी जिम में,
हमारी ये गुड़गांव सेक्टर 37D की सबसे बड़ी जिम है, सबसे बड़ा एरिया है अपने पास और पार्किंग का भी बहुत बड़ा एरिया है। और क्लाइंट हमारे वेट कर रहे थे, भाई आ जाओ भाई आ जाओ, एक भाई साहब ये बैठे हैं और दो तीन इधर उधर घूम रहे हैं, तो इनको वर्कआउट करा देते हैं, इनको एक्सरसाइज बता देते हैं, फिर अगले क्लाइंट की तरफ चलते हैं। और अब भी अपनी ड्रेस देख रहे थे हम कैसी लग रही है, भाई देख रहे हैं मैं इनकी, चल लगवा देते हैं, आ रहे हैं। और भाई जी का हमने प्रॉपर एक सेट लगवाया, जो कि दरअसल क्या होते हैं नए लड़के ना थोड़ी मतलब वेट थोड़ा हैवी ले लेते हैं और उसको फास्ट करते हैं, तो वही चीज़ मैं नोट कराता हूँ, वेट हैवी ना लेके नॉर्मल लें और बिल्कुल मसल को फील करके करें। जैसे कि अभी देख सकते हो मैं इनको बहुत स्लो और बहुत प्यार से करवाइए स्टार्टिंग में ना, तो मसल्स पे इनकी ना प्रॉपर लोड आ रहा है, प्रॉपर फील आ रहा है। तो शाम का वर्कआउट अपना जिम खत्म, घर चलते हैं। जिम से आ गए हैं घर की तरफ और रास्ते में से लेना था कुछ अपनी वेजिटेबल्स फ्रूट्स, तो वो चल के लेते हैं, उसके बाद घर चलेंगे, उसके बाद देखेंगे जो भी डाइट है वो खाएंगे, उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय। खीरा क्यों नहीं ला रहे हो भाई तुम? खीरा भैया वही है 30-40 रुपया। ले भाई खीरे तो हमें मिले नहीं, घर के लिए सब्जी ले लिए, ग्रिल सैलेड हमारी अभी भी रही जाएगी। चलो ये तो डाल दे। क्या क्या कर दिया, पपीता और केला कर दी? दोस्तों घर पहुंच चुके हैं, रात के 10 बज गए, चलो चलते हैं अंदर। दोस्तों घर पहुंच गए हैं और लास्ट मील है मेरी, वाइट एग 6-7 3-4 मैंने खा लिए और इसके बाद मैं जो खाऊंगा अभी 2 रोटी खाने वाला हूँ, ठीक है, और 1 गिलास पीऊंगा दूध। और इसके लिए वो लोग को करते हैं यहीं ऐड और साइड पूरी करते करते मेरे को रात के बज जाएंगे 11, तो उसके बाद वीडियो कौन शूट करेगा भाई मेरी, तो लोग को करते हैं यहीं बाय बाय टाटा, थैंक यू सो मच ब्लॉग को पूरा देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके।